जेडीबी कॉलेज की छात्राएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठी रही। आज धरना स्थल पर छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, इस वजह से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वहीं रात को भी भूख हड़ताल करके धरने पर बैठी एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी थी। सड़क किनारे दो दिन से रात और दिन को भी कॉलेज छात्राओं का धरना जारी रहा। लिखित में आश्वासन की मांग को लेकर छात्राएं अड़ी रही, वहीं आज छात्राओं ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। हमारी 6 सूत्री मांगे, जिसमें से एक मांग पुरानी है। हम पहले भी 3 दिन धरने पर बैठे थे, तो हमारी मार्कशीट में शुद्धिकरण कर दिया गया था, इंडियन म्यूजिक वोकल आ गया था, लेकिन पोर्टल पर इंडियन म्यूजिक वोकल अभी भी नहीं किया है, म्यूजिक ही है। जिससे फॉर्म भरते हैं तो केवल म्यूजिक आता है, तो आगे भी जैसे 30 साल धांधली हुई, आगे भी धांधली हो सकती है। और महाविद्यालय में कैंटीन नहीं है, सैनिटरी पैड की मशीन नहीं है, जबकि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है। जेरोक्स की मशीन नहीं, मित्र की सुविधा नहीं है, पीजी में ज्योग्राफी इंग्लिश उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे मामले हैं जो होने चाहिए महाविद्यालय में, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। हम कल हड़ताल छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए गंदे आरोप लगाए जाते हैं इनके द्वारा। आज से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मैं और महासचिव रिंकी गुजर। पहले संघर्ष किया, जिसका हमारा मार्कशीट में शुद्धिकरण हो गया, एक मांग मानी गई थी, इसलिए हम 3 दिन उठ गए थे। जैसे रख है वो तो दिखाएं नहीं, कल भी दोनों दीदी पूरी रात दी थी।